नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल पे पर आप जो है स्क्रैच कार्ड कैसे यूज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी गूगल पे पर स्क्रैच कार्ड मिले हुए हैं और गाइज जब भी आप गूगल पे पर ट्रांजेक्शन करते हो, किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते हो या फिर मोबाइल रिचार्ज करते हो, बिल पेमेंट करते हो, तो गाइस आपको गूगल पे पर स्क्रैच कार्ड जरूर मिलता होगा। और गाइस जब भी आप स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करते हो उसके बाद आपको कूपन्स मिलते हैं, जैसे मिंत्रा के, इसके अलावा यहाँ पर अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमाटो और डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, बहुत सारे आपको जो है कूपन कोड, आपको जो है कूपन से स्क्रैच मिलते होंगे। और गाइस किस तरीके से आप जो है उन स्क्रैच कार्ड को कैसे यूज करें, किस तरीके से आप जो है उस कूपन को कैसे अवेल करें, तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जो है इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों बड़ी आसानी से आप जो है गूगल पे स्क्रैच कार्ड कूपन्स को बड़ी आसानी से आप जो है अवेल कर पाओगे और यहाँ पर जो है कैशबैक यहाँ पर रिसीव कर पाओगे। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने मोबाइल में गूगल पे एप्लीकेशन में जाना है। गूगल पे एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आप गूगल पे को ओपन करोगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गूगल पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर गाइस आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना और यहाँ पर आपको जो है रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल पे पर जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, किसी को पैसे ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट करते हो, तो गाइस गूगल पे पर आपको कभी कभार तो है डायरेक्टली कैशबैक मिल जाता है और आपको जो है बहुत बार आपको जो है कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ कूपन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, स्क्रैच कार्ड आपको जो है मिलते हैं। तो जैसे आप उस स्क्रैच कार्ड पर क्लिक करते हो उसके बाद इस तरीके से आपको स्क्रैच करना होता है। तो गाइज स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे जो है पर फ्री टोनर यहाँ पर जो है वर्थ 393 रुपीज़ का है जो है यहाँ पर ये जो है एक फेस वॉश है जो कि बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मिल रहा है। सिर्फ मुझे जो है शिपिंग चार्ज यहाँ पर मुझे सिर्फ पे करना है, 99 रुपीज़ पे करना है और उसका जो है 399 रुपीज़ का जो है ये फेस वॉश है, फ्री टोनर है, वो मुझे जो है फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है स्क्रैच करने पर कूपन्स मिलते रहते हैं। यहाँ पर मुझे जो है यहाँ पर फ्री टोनर यानी द मोम्स को यहाँ पर इस वाली कंपनी का जो है कूपन्स मिला है। तो यहाँ पर आपको स्क्रैच करने पर कभी कभार जोमेटो को, स्विगी को, इसके बाद यहाँ पर जो है मिंत्रा का, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग शॉपिंग कंपनी का और यहाँ पर फूड कंपनी का आपको जो है कूपन्स मिलता रहेगा, जहाँ पर आपको जो है कभी कभार 200-500 रुपये का आपको जो है मिनिमम ऑर्डर, 100 रुपीज़ का ऑर्डर करना होता है और आपको 200-300 रुपये का आपको जो है कैशबैक मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको अलग अलग कूपन्स आपको मिल जाते हैं, जैसे मिंत्रा पर कभी कभार आपको कूपन मिलते हैं जहाँ पर आपको 200 रुपये मिनिमम 299 का आपको जो कोई भी ऑर्डर करना होता है वहाँ पर आपको 150 रुपये का कैशबैक आपको जो ऑफ मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट आपको जो है कूपन्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो किसी भी तरह का आपको कोई भी कैशबैक मिला हुआ है अगर आप उसे अवेल करना चाहते हो तो इसके लिए गाइस आपको करना क्या होगा, सिंपली गाइस सबसे पहले उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन को आपको पढ़ लेना होता है। यहाँ पर उसका जो कूपन कोड रहता है उसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना होता है, यहाँ से जो भी कोड शो कर रहा है इसको यहाँ से कॉपी पर क्लिक करके कॉपी करने के बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पर शो करती है। अगर आपका कूपन एक्सपायर हो चुका है तो आप उसे अवेल नहीं कर सकते। इसके बाद डिटेल्स में आपको सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है और उसका जो है मिनिमम जो भी आप उसका जो है टर्म्स एंड कंडीशन रहता है उसका मिनिमम कितना स्पेंड आपको करना होता है, कितने का जो है बाय करना होगा तभी आपको जो है यहाँ पर ये कूपन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर जो है नो मिनिमम स्पेंड, मेरे लिए जो है यहाँ पर कोई भी पे नहीं करना है, सिर्फ मुझे जो है यहाँ पर शिपिंग चार्ज पे करना है और यहाँ पर मुझे जो ये प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पर स्क्रैच, अलग अलग जो है कूपन में अलग अलग उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। शिपिंग चार्ज ऑफ 99 अप्लीकेबल। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दिस कोड वैलिड फॉर वन टाइम यूज ओनली। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से इसे अवेल करना है, तो इसके लिए गाइस आपको जो है नीचे की ओर रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है और इस पर क्लिक करने के बाद गूगल क्रोम आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर ये जो उनकी वेबसाइट पर ये डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपके सामने वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ चुका है, तो ये प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल फ्री में मिलेगा, सिर्फ मुझे जो है 99 शिपिंग चार्ज पे करना है। तो यहाँ पर आप देखते हो नीचे की ओर आपको एड टू बैग पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका जो है कार्ट में ऐड हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है करना क्या होगा, सिंपली गाइस नीचे की और आपको जो है प्लेस ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है
मोबाइल नंबर डालने के बाद गाइस यहां पर आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद गाइस आपको कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आपको जो है कूपन कोड अप्लाई करने में यहां पर आप देख सकते हो, मैं यहां पर जो है अप्लाई प्रोमो कोड वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो अप्लाई प्रोमो कोड पर जैसे आप क्लिक करोगे तो गाइज आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो गाइज अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप जो है किसी भी स्क्रैच कार्ड को यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो। तो गाइज फिलहाल मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर अप्लाई प्रोमो कोड वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो जो भी आपने जो है प्रोमो कोड कॉपी किया था, आपका जो भी कोड था वो कॉपी किया था, उसको यहाँ से पेस्ट करने के बाद अप्लाई पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो है अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हो 99 यहाँ पर शो कर रहा है, सिर्फ मुझे 99 पे करना है, शिपिंग चार्ज मुझे पे करना है और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट आपका जो है फ्री में आपका जो है आपके पास पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर गूगल पे स्क्रैच कार्ड को इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से गूगल पे पर आपको बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के आपको स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। किसी कंपनी में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कुछ मिनिमम आपको टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि 99 का आप ऑर्डर करोगे तभी यहाँ पर ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप कोई भी अपने कूपन्स को अवेल करोगे तो आपका 100% आपका जो भी ऑफ होगा कैशबैक हो वो यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप रिवॉर्ड में आने के बाद यहाँ पर रिवॉर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके जितने भी यहाँ पर जो है आपको जो है जितने भी रिवॉर्ड्स मिले हुए जितने भी आपकी कूपन से कैश स्क्रैच है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे और अगर वो एक्सपायर नहीं हुए होंगे तो उनको जो है आप अवेल कर सकते हो। और गाइज उनके जो है कैशबैक उनके जितने भी ऑफ है वो यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह यहाँ पर आप ले सकते हो। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप जो है गूगल पे स्क्रैच कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा।